नीता और मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी की शादी और लव स्टोरी ने तो खूब सुर्खियां बटोरी थी, पर आप मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के प्यार के बारे में शायद नहीं जानते। जी हाँ, आपको बता दें, मुकेश की शादी नीता अंबानी से हुई है, लेकिन नीता को पसंद मुकेश ने नहीं बल्कि उनके पिता धीरू भाई ने किया था। मुकेश और नीता की प्रेम कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। तो चलिए, आज की हमारी खास बॉलीवुड रिपोर्ट में आपको बताएंगे इनकी लव स्टोरी के इस खास किस्से के बारे में। नीता अंबानी गुजराती फैमिली को बिलोंग करती थी। नीता की फैमिली में संगीत और शास्त्रीय नृत्य को काफी पसंद किया जाता था और उनके फैमिली में संगीत और नृत्य की काफी मान्यता भी रही। नीता जब 8 साल की थी तभी उनकी माँ ने उन्हें नृत्य सिखाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते नीता ने अपने आप को भरतनाट्यम नृत्य में ट्रेन कर लिया था। और नीता का डांस के लिए प्यार हम उनके बेटे और बेटी की शादी के दौरान देख ही चुके हैं। नीता पूरे गुजरात में अलग अलग इवेंट में भरतनाट्यम डांस परफॉर्म किया करती थी और एक ऐसे ही इवेंट में मुकेश अंबानी के पिता धीरू भाई ने नीता को भरतनाट्यम करते देखा। बस वो पहली नजर में ही धीरू भाई को नीता पसंद आ गई थी और इवेंट खत्म होने के बाद से ही धीरू भाई ने नीता के बारे में सारी डिटेल निकलवा ली थी। और अगले ही दिन धीरू भाई ने नीता को फोन मिलाया और कहा कि वो धीरू भाई अंबानी बोल रहे हैं, लेकिन नीता ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया और इतना सुनते ही फोन कट कर दिया और सोचने लगी मुझे धीरू भाई अंबानी क्यों फोन करेंगे। धीरू भाई ने फिर नीता को कॉल किया और इस बार कॉल नीता के पिता ने उठाई थी और वो धीरू भाई की आवाज को पहचान गए थे और नीता के पिता ने नीता को धीरू भाई से बात करने को बोला। नीता ने मना कर दिया। बाद में पिता के कहने पर नीता ने धीरू भाई से बात की और धीरू भाई ने नीता से उनकी रुचि के बारे में पूछा। नीता ने बहुत कॉन्फिडेंस से धीरू भाई को सब बता दिया और धीरू भाई ने नीता से कहा कि मैं तुम्हें मुकेश की पत्नी के रूप में देख रहा हूँ। धीरू भाई ने कहा कि तुम्हें घर आकर मुकेश से मिलना चाहिए। घर वालों की सलाह के साथ नीता धीरू भाई के घर गई। नीता जब वहां पहुंची तो मुकेश ने घर का दरवाजा खोला। मुकेश नीता को देखते ही पहचान गए क्योंकि धीरू भाई लगातार उनसे नीता के बारे में बात करते आ रहे थे। अपनी पहली मुलाकात के बाद से मुकेश और नीता एक दूसरे को डेट करने लगे और दोनों ने एक साथ घूमना शुरू कर दिया। और घूमने के दौरान ही मुकेश अंबानी ने बीच सड़क सिग्नल पर खड़े होकर नीता अंबानी को प्रपोज कर दिया था और नीता ने मुकेश के इस स्वीट जेस्चर के बाद मुकेश अंबानी को हां कर दी थी। और इनकी लव स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग भी है। वेल, आपको इनकी लव स्टोरी के बारे में क्या कहना है कमेंट्स के जरिए जरूर लिख बताइएगा। एंटरटेनमेंट से नाना काली की रिपोर्ट, पंजाब के सी टीवी।